स्टेट्स को T20 लीग कराते हुए देखा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कभी अपनी T20 लीग बहुत कम या ना के बराबर कराते हैं। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, उसकी हमको एज अ खिलाड़ी एज अ कोच अप्रिसिएट करना चाहिए कि ये पहली बार वो करा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट T20 लीग, जिसमें खिलाड़ियों को अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कैसे आप एलिजिबल हो खेलने के लिए या नहीं, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। देहरादून डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कराने जा रहा है फर्स्ट देहरादून T20 लीग। और देहरादून, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आता है उत्तराखंड स्टेट एसोसिएशन के अंडर में, तो वो कराने जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप एलिजिबल कैसे हो, आपको पता करने के लिए, अगर आप देहरादून से हो, आप रजिस्टर्ड प्लेयर हो उत्तराखंड से, तो आप इस लीग में खेलने के लिए एलिजिबल हो। नहीं तो आपकी क्लब या एकेडमी, जैसे इसमें क्लब या एकेडमी भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जितनी भी उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से या देहरादून डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलिएटेड क्लब हैं या एकेडमी हैं जो रजिस्टर्ड है, वो इस T20 लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी टीम बन रही है, मेरे हिसाब से 20 टीम्स हैं क्या, और यहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। 24 टीम है तो 24 टीम में आप बना लीजिए 24 × 15 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप सोचिए कि कितने, अगर जो बच्चे परफॉर्म करेंगे, अभी तो सबसे प्रॉब्लम ये आती थी बच्चों को कि बच्चे ये शिकायत करते थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन था लेकिन वो टूर्नामेंट्स या लीग अच्छे तरीके से नहीं करा जा रहा, ये IPL की तर्ज पर करा सकते हैं या करा रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं आप स्टेट एसोसिएशन की जो T20 लीग है उनके तर्ज पर करा रहे हैं। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत अच्छा पहल है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हम कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ सकते दे रहे हैं, या आप कहेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमने उनसे कॉन्टैक्ट करके निकाली है, उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, उस पर भी उन्होंने वीडियो और बकायदा पोस्ट भी किया है उसके बारे में कि देहरादून T20 लीग है क्या और उसमें खेलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप देहरादून डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड प्लेयर होंगे तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आपकी क्लब या एकेडमी पार्टिसिपेट करना चाहती है देहरादून डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलिएटेड है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आपके क्वेश्चन ये भी आएंगे कि क्या मैं देहरादून से हूँ या उत्तराखंड से हूँ तो क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो अभी तो जो हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ देहरादून डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि देहरादून डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ये T20 लीग कराई जा रही है। तो अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से सिर्फ देहरादून के ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे, वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 25 तारीख है लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, उससे पहले अगर आप का क्लब है या आपकी एकेडमी है या आप देहरादून से रजिस्टर्ड प्लेयर हैं तो ज़रूर रजिस्टर्ड कराएं और खेलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर इस लीग में परफॉर्म करेंगे तो आप पूरे उत्तराखंड के अपने स्टेट के में नज़र आएंगे और आपकी परफॉर्मेंस गिनी जाएगी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का टूर्नामेंट है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि खिलाड़ी अपने डिस्ट्रिक्ट से एफिलिएटेड टूर्नामेंट खेलें, आप प्राइवेट लीग के चक्कर में भाग रहे हो तो प्राइवेट लीग छोड़ें, आप अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की इस लीग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अगर आप देहरादून से हैं इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। बेस्ट विशेष मेरी तरफ से है, और हमारी कोशिश यह है कि आपके पास क्रिकेट ट्रायल्स या क्रिकेट से न्यूज़ जो आपके इन्फॉर्मेशन की है वो आप तक पहुँचे। तो पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया या धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी वजह से मिल रहे हैं, और मैं कुछ अपने दोस्तों से जो बाहर हैं कोच एज ए कोच काम कर रहे हैं या एज ए खिलाड़ी कहीं खेल रहे हैं, वो मेरी जो हेल्प कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए, उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि
क्रिकेट स्किल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जा रहा है, लेकिन ट्रायल से और बाकी बीसीसीआई के रूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत कम ही है। मैंने भी यूट्यूब का ही सहारा लेना के चक्कर में था मैं स्टार्टिंग में कि ये गाइडलाइंस के, लेकिन वो मिली नहीं मुझे। तो मैंने कोशिश की कि आपको ट्रांसफ़र करें, उम्मीद है आपका प्यार भी बहुत मिल रहा है, उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आ रहे हैं। इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में प्यार दीजिएगा हमको, और हाँ इंस्टाग्राम पे जरूर हमारे साथ जुड़े। कैसे जुड़ेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में।